सिंपल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके हाथ में स्प्रिट वाला स्वेब होना चाहिए, ठीक है। आप स्प्रिट को उसमें कॉटन है ना लिख लो उसके, जी सर, अलग पैक में रखना चाहिए उसको, और ढक्कन उसका बंद रखते हैं तो उसमें स्प्रिट उड़ती नहीं है कॉटन के साथ, कॉटन आपकी गीली रहती है। नीडल ये पतली थोड़ी छोटी होती है तो ये अच्छी रहती है। अच्छा, जितनी छोटी हो उतनी अच्छा रहता है? छोटी नहीं, ये 1.5 इंच साइज की है, इससे बड़ी भी आती है। अच्छा, वो क्या कई बार जो अनट्रेंड आदमी होता है तो उससे वो आर पार हो जाती है, तो 1.5 इंच भाई जैसे मैं तो कोई से सही कर लूंगा जी, लेकिन नया आदमी उसके लिए छोटे वाले ठीक रहती है, तो वो नाड़ में जाती है नहीं वो उस पार हो जाएगी तो उसको दिक्कत रहती है। तो 1.5 इंच की ठीक रहती है, मतलब जो नए हैं उनके लिए। फिर घोड़े को अच्छी तरह काबू करके टूच लगाए, वो घोड़े से थोड़ा सा बात कर ली जाए, क्या नाम है इसका? देवरतन। देवरतन, क्या बात है देवरतन। और फिर ये जो स्वेब है ये यहाँ पे पूरे इलाके में इसको लगा दिए थे, ठीक है। तो एनिमल लेके आप तो अपने कहाँ से मिले? और सर कोई एग्जैक्ट जगह बताइए जहाँ लगाना चाहिए इंजेक्शन? ये यहाँ से देखिए आप, ये ग्रू होता है, दिख रहा है खड्डा जी, ये खड्डा दिखे आपको, ये यहाँ से दर है। हाँ सर, दिखे आपको ये यहाँ से लेके आते हैं खड्डा, हाँ खड्डा लाइन टाइप दिख रही है। हाँ, ये खड्डा है मान लो, हाँ। पूरा लंबाई के नहर कह सकते हो, ग्रू कह सकते हो। इसके यहाँ पे आप बीच में से प्रेस करोगे अंगूठे से तो नाड़ है ना जो इसकी वेन दबेगी, वेन दबने से ये खड़ी हो जाएगी वेन। अच्छा, बाहर की तरफ उभर के आएगी? हाँ, इसको दबा, ये खड्डे के बीच में दबा के रखोगे तो आराम से, सब्र से रखो, जल्दबाजी मत करो। अब ये आ गया ना ऊपर, उभर करके आ गया, अभी यहाँ से दे देगा। फिर इसको 1 मिनट तक दबा के रखो, 1 मिनट तक दबा के रखना चाहिए, हाँ, ताकि ब्लीडिंग वो नाड़ का जो है ना वेन का वो बंद हो जाए। और सर रुई के अंदर आप कुछ दवाई या लिक्विड कुछ रब करते हैं तब? नहीं, ये शुरू से स्प्रिट में भिगोई होती है। स्प्रिट में भिगोई हुई होती है, हाँ। स्प्रिट सर क्या लिक्विड दवाई है कोई? ये एथनॉल, आजकल अपने सैनिटाइजर होता है ना। अच्छा अच्छा, तो सैनिटाइजर ही है एक तरीके से। तो पहले उस जगह को थोड़ा साफ करते हैं, हाँ, फिर इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर 1 मिनट तक निकालते हैं ना बाहर, तो ये नीडल हटा के निकाल लें। अच्छा, इस ट्यूब में डाल लें, पहले नीडल हटा के फिर ऐसे डाल देते हैं। और नीडल कभी भी 1 से 2 पे यूज नहीं करनी चाहिए, एक ही बस। हाँ, नीडल अगर आप 2 बार यूज करोगे ना तो एक तो एक घोड़े की दूसरे घोड़े में बीमारी फैलाओगे। दूसरा क्या है कि फिर अंदर जैसे मैं आराम से डाल रहा हूँ वैसे नहीं जाएगी, आगे से तीखी कम हो जाएगी तो फिर अंदर घुसेगी नहीं। फिर पुराने जमाने में जो डंगरों को डॉक्टर मारते थे ऐसे वैसे मारने पड़े। और अब जो इसको क्या है कि मैं एक बार यही रखा हूँ आपको दिखाने के लिए, जी सर, इसको लिया ना तो आधे घंटे तक पौने घंटे तक आप उसको ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे। ये रखी मैंने, इसको टेढ़ा करके रख देंगे। अच्छा अच्छा, टेढ़ा करके रख दोगे तो इसका सीरम अपने आप ऊपर आ जाएगा, और जो अच्छा। लाल है ना ये ब्लड RBC ये नीचे बैठ जाएगी, सीरम ऊपर आ जाएगा। और सर मान लीजिए जैसे कि आगे देखिए वो सीरम ऊपर आ जाएगा, वो सीरम को लेके भेजना होता है लैब में। अच्छा, तो सर जैसे कहीं दूर भेजना होता है, मान लीजिए कलेक्ट तो आपने कैसे करना है वो बता दिया, और कैसे रखना है ये भी बता दिया, और जब भेजना होता है तो अपन को कैसे भेजना रहता है, मतलब कोई बर्फ वगैरह में लिक्विड नाइट्रोजन? इसको 1 घंटे तक छोड़ देंगे अपने, जी 1 घंटे तक छोड़ देंगे तो इसका जो लिक्विड पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, पानी जैसा आ जाएगा ऊपर हल्का पीले रंग का। फिर दूसरे सिरिंज लेके नीडल आगे लगा के उसको दूसरी वायल में लगा डाल लो, वो साफ होगा। अभी आपको दिखाऊंगा तो वो वहाँ से अपना नया वीडियो चालू करेंगे, जी सर, जहाँ से ये अलग हो जाएगा। अभी ये पड़ा है यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो वहाँ से चालू करेंगे, आ जाओ। जी सर, तो इसके बाद क्या होगा? जैसे अपन ने ये सैंपल ले लिया है, रख दिया है, जैसे अपने चोट लग जाए, चोट लगने आने के बाद थक्का जमता है जी, जैसे अपना खून बहना रुक जाता है, तो इतना ब्लड अपने निकाल लिया इसका पड़े पड़े का थक्का जम जाएगा, थक्का जम जाएगा, ये लाल पोर्शन है ये नीचे जम जाएगा, और इसका सीरम है जो हल्का मतलब कि पानी और पीले के रंग के बीच का सा कलर का होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसको फिर निकाल के और भेज देंगे लैब में।
अच्छा, दूसरे में बाकी जो नीचे का जो जमा हुआ पोर्शन होगा वो यूज में नहीं आएगा, सिर्फ जो ऊपर जो लिक्विड रहता है उसको अपन को अलग कलेक्ट करके फिर अपन को भेजना पड़ता है। जी सर, ये इसके आगे का जब जम जाएगा तब मैं बताऊंगा क्या करना।